सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस जर्नी फॉर योर स्किन केयर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फेस पे फेशियल करवाने के कितने दिनों बाद ग्लो आता है या फिर फेशियल के बाद कब ग्लो आता है। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बार लोगों ने पूछा भी है और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता भी है कि फेशियल करवाने के कितने टाइम बाद फेस पे ग्लो आता है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फेशियल करवाने के 2 से 3 दिनों बाद फेस पे ग्लो आता है, लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं आती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं फेशियल करवाती हूँ तो मुझे तुरंत ही ग्लो दिखता है। जब भी आप फेशियल करवाओ, अगर फेशियल ठीक से हुआ है तो आपको उसी वक्त आपकी स्किन क्लीन फील होगी, क्लियर फील होगी और आपके फेस पे अलग ही तरह का ग्लो भी दिखने लगेगा तुरंत ही। लेकिन ज्यादातर तो लोग ऐसा कहते हैं कि 2 से 3 दिन बाद आपको फेशियल का ग्लो दिखना स्टार्ट होता है अपने फेस पे। जिस तरह से आप किसी भी जगह की सफाई करते हो तो तुरंत ही वो जगह साफ दिखने लगती है, ऐसा नहीं होता है कि 2 दिन बाद वो जगह आपको साफ दिखती है। उसी तरह से हमारी स्किन पे फेशियल भी एक तरह की क्लीनिंग, एक तरह की सफाई है, इसीलिए तुरंत ही आपको इसका ग्लो दिखना चाहिए। लेकिन ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को फेशियल की कितनी जरूरत थी और उसको आपने कब पूरा किया है। फेशियल करवाने के बाद जो ग्लो आता है वो कम से कम 7 से 10 दिनों तक तो रहता ही है। अगर आपका फेशियल सही से हुआ हो, ढंग से हुआ हो, तो 7 से 10 दिन तक आपको वो ग्लो रहता है। लेकिन जितना ग्लो आपको 3रे दिन पे या 5वें दिन पे दिखता है, उसके करते 7वें 8वें दिन पे वो ग्लो कम होता जाता है। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि फेशियल करवाने के 2 से 3 दिन बाद आपके चेहरे पे ग्लो दिखता है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि फेशियल करते वक्त हमारी स्किन पे बहुत सारी मसाज होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे थकावट भी आ जाती है और एक्स्ट्रा ऑयल निकल आता है। ऊपर से फेशियल के बाद आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको कम से कम 19 से 20 घंटों तक अपने चेहरे पे कोई भी साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन पे रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए उस दिन तो आप अपना चेहरा अच्छे से वॉश नहीं करते हो साबुन या फिर फेस वॉश से। जब आप दूसरे दिन अपना फेस वॉश करते हो या फिर नहाते हो, तभी आपकी स्किन असली में अच्छे से क्लीन होती है। जो एक्स्ट्रा ऑयल मसाज के वक्त निकल आता है या फिर जो भी सारे केमिकल्स लगे हुए होते हैं, पॉल्यूशन उस पर चिपक जाता है, वो दूसरे दिन अच्छे से क्लीन होता है। इसीलिए ये भी हो सकता है कि आपको 1 से 2 दिन बाद अच्छे से जब आपकी स्किन क्लीन हो जाती है उसके बाद ग्लो दिखे। सो आई होप फ्रेंड्स, आपके लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो बस उसी तरह से आपको यूट्यूब पे सिर्फ सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है। और आपको मिलेंगी इतनी सारी यूजफुल नॉलेज अपनी स्किन केयर के बारे में, अपनी हेयर केयर के बारे में। तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस हो वो आप देख पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सी यू सून।